पुलिस ने उत्तरी बिहार का आतंक कुख्यात अपराधी पांजू दास समेत पांच कुख्यात अपराधी को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इन सभी अपराधियों पर 38 संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें उत्तरी बिहार के लगभग 6 जिलों की पुलिस को इनकी तलाश थी। आपराधिक गैंग की गिरफ्तारी हुई है, एक हमारे जिले का और इनफैक्ट आसपास के जो हमारे टोटल 6 जिले हैं, मध्यपुरा का, सहरसा का, सुपौल का, पूर्णिया का, अररिया का और खगड़िया का एक बड़ा और नामी अपराधी है पंचू दास, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ में एक और इसका साथी है, इसके गैंग का कन्हैया कुमार यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक मधु यादव नाम के व्यक्ति की इनके साथ में गिरफ्तारी हुई है। रत्नेश कुमार नाम का एक व्यक्ति है, इसने अपने घर में इन लोगों को हथियार के साथ में पनाह देके रखी हुई थी, उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक और इनका साथी है अमित कुमार, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। कुल 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। 6 साल की मासूम लड़की का कपड़ा बीच सड़क पर कार में फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने शोर मचाया, लेकिन चालक तक आवाज नहीं पहुंच सकी। इस बीच कार में फंसी बच्ची करीब 1 किलोमीटर तक घिसटती चली गई। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना पटना के दनियावा पथ में नायका रोड के पास की है। दिल दहला देने वाली इस दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऐसा लगा कि कार में फंसी बच्ची तड़प तड़प कर मर जाएगी, लेकिन सौभाग्य से गाड़ी समय रहते रुक गई। सारण में ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण डकैती हुई। देर रात सोनपुर स्टेशन पर एक दर्जन डकैत ट्रेन में घुसे। छपरा सीवान रेल खंड पर दिगवारा स्टेशन से पहले डकैतों ने यात्रियों से मारपीट कर करीब 5 लाख से अधिक के कैश, जेवर और मोबाइल लूट लिए। विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद डकैतों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका और फरार हो गए। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी दाहिनी जांघ में गोली लगी है। घायल की पहचान उत्तर प्रदेश के इटावा नगर निवासी शिवम यादव के रूप में हुई है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद मासूम बच्चियों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर हैवान दरिंदे ने एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लिया। बेगूसराय में गंडक नदी किनारे एक बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची पिछले दिनों बीरपुर थाना क्षेत्र के भावनंदपुर गांव से लापता हुई थी। पीड़ित परिजनों ने कहा कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। 13 तारीख से लापता थी लड़की। के पिता के द्वारा 14 तारीख को अपहरण की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर धारा 363, 366 ए भादरवी में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जा रही थी। 17 तारीख को शाम में सिमरी पुल के नज़दीक कोरिया घाट के पास एक लाश मिली है, जिसको इनके परिवार वालों ने शिनाख्त की है कि यह मीनाक्षी कुमारी है। उसके बाद आगे की अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। परिजन तो कह रहे हैं कि इसकी हत्या की गई है। भागलपुर में नाथनगर स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ट्रैक पर बम मिलने से सनसनी फैल गई। बम काले रंग के प्लास्टिक में बंधा हुआ था और उससे बिजली का तार निकला हुआ था। बम मिलने की सूचना पर एसएसपी नितीशा गुड़िया टीम के साथ पहुंच गईं। सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों को रोक दिया गया और यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से रोक दिया। विस्फोटकों के जरिए ऊपर घाट को दहलाने की योजना को बेरमो एसडीपीओ सतीश चंद्र झा ने विफल करते हुए नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एसडीपीओ ने पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में पावर, जिलेटिन, डेटोनेटर सहित विस्फोटक पदार्थ जब्त किए हैं। विस्फोटक बरामदगी के बाद एसडीपीओ के निर्देश पर बेरमो के विभिन्न थानों की पुलिस के द्वारा आसपास के क्षेत्रों और घरों में भी सर्च अभियान किया जा रहा है। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो के कुरकुटा गांव में देर रात एक वृद्ध महिला की तेज धार हथियार सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। घटना के समय महिला घर में अकेली थी। परिवार के सदस्य सरस्वती पूजा के विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। महिला को अकेले पाकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। रांची के पिटोरिया थाना क्षेत्र में देर रात सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मिथुन को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पिटोरिया इलाके से गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि काट लेने का दावा करते हुए लालू प्रसाद ने जमानत मांगी है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। बिहार के पटना से 14 साल का एक नाबालिग घर से भागकर रांची आ गया था। स्टेशन के यूटीएस काउंटर के पास भटकता देख आरपीएफ की टीम ने उसे पकड़कर उसे पूछताछ की।
इसमें उसने बताया कि वो पटना का रहने वाला है और परिजनों से नाराज होकर भागकर यहां आ गया है, जिसके बाद नाबालिग के परिजनों को उसकी सूचना दी गई। फिलहाल उसके चाचा रांची रेलवे स्टेशन से उसे अपने साथ ले गए।